ये तो आप सभी जानते हैं कि आत्मा अमर होती है, इसका ना तो कोई शेप होता है ना ही कोई इसकी फॉर्म होती है। बट क्या आप इसके अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं? जापान में मिलने वाली एक ऐसी आइसक्रीम जिसे लोग भूतिया आइसक्रीम के नाम से जानते हैं, क्या आपने ऐसी आइसक्रीम कभी देखी है? तिब्बत के ब्लैक डायमंड के बारे में आप जानते हैं? एक ऐसा सेब जो कि ब्लैक डायमंड के नाम से तिब्बत में प्रसिद्ध है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 5, हमारे समाज में लोग कितने ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं, कभी सोचा है आपने? जब एक लड़का किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहे तो उसे दहेज का लालची कह दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर कोई लड़की किसी लड़के से उसकी सैलरी और उसकी जायदाद देखकर शादी करती है तो उसे स्मार्ट डिसीजन और थिंकिंग ऑफ फ्यूचर कह दिया जाता है। इसे समाज की हाइपोक्रेसी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक तरफ हम लड़का लड़की की बराबरी का दर्जा देते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसा दोगलापन। अगर लड़का लड़की में वाकई में हम बराबरी चाहते हैं तो इस टॉपिक पर सोचने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट। फैक्ट नंबर 4, आत्मा अमर होती है, वो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। किसी भी सत्संग में ये बात अवश्य बताई जाती है। आत्मा होती है या नहीं, ये हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। अब आइए बात करते हैं आत्मा से जुड़े फैक्ट के बारे में। अमेरिका के डॉक्टर डंकन मैकडॉगल साल 1901 में आत्मा के एक्सीडेंट को प्रूव करने के लिए एक पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर डंकन ने इस पेशेंट के मरने से पहले और मरने के बाद का वजन चेक किया, जिसमें कि 21 ग्राम का अंतर था। यह 21 ग्राम डंकन आत्मा का वजन बताते हैं। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट। नंबर 3, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी कई फंडे अपनाती है। अब आप इस आइसक्रीम को ही देख लीजिए, यह है पनाप जो कि जापान में मिलती है। पनाप की खासियत यह है कि जब ये आइसक्रीम मिलती है मुस्कुराकर स्माइली फेस में मिलती है, लेकिन जैसे जैसे ये आइसक्रीम ख़त्म होती है भूतिया होती चली जाती है। जी हाँ, इसमें चॉकलेट और फ्रूट्स का मिक्सचर इस तरह डाला जाता है कि जैसे जैसे आप इसे ख़त्म करते हैं ये ऐसे दिखने लगती है। जापान, वंस एक्ट वंस प्रॉफिट। फैक्ट नंबर 2, कुछ धार्मिक स्थलों में से एक है मलेशिया में मौजूद बाटो के भगवान मुरुगन का यह मंदिर। भारत के बाहर हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। माना यह जाता है यह गुफा 400 मिलियन साल पुरानी है। इस मंदिर की प्रसिद्धि को देखते हुए और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ लगाई गई ये विशाल मूर्ति जिसकी ऊंचाई 140 फीट है। वैसे ही मलेशिया का सबसे ऊंचा स्टैचू भी है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ब्लैक डायमंड एप्पल के बारे में सुना है? ये रेयर वैरायटी का एप्पल है जो तिब्बत की पहाड़ियों में बसे निंजी शहर में पाया जाता है। यहाँ दिन में इन्हें बहुत भारी मात्रा में अल्ट्रावायलेट लाइट मिलता है। रात होने पर इनके टेम्परेचर में बहुत उतार चढ़ाव रहता है, जिनकी वजह से इनका कलर ब्लैक हो जाता है, लेकिन अंदर से ये नॉर्मल एप्पल की तरह वाइट ही होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।